यार ये देखो, थर्ड हॉस्टल में तुम्हारा पानी नहीं आता है पीने का, तो ऐसे ही एक बक्सा आएगा इसमें और एक अंकल निकल के आता है यहाँ से, पानी ले लेके अंदर लेके जाएगा और तुम्हें लेना पड़ता है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो ये निकाला है इसने। अब इसको खाली बोतल देनी रहेगी। ये रहा, उठा उठा के लेके जाएगा ये। अंदर खाली बोतल दो, ये बोतल भरवाओ 100 रुपए में, 20 लीटर। यूनिवर्सिटी 1 घंटे लेट चल रहे हैं यूनिवर्सिटी जाने में। एक पेशेंट में 10 लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इधर आ रही है। Check skin color in this patient. Teacher says that rash, sip, rash present, erythematous rash in chest and skin of the chest. Erythematosная сыпь на грудной клетке. That's why you must listen what teacher responds you. First, every is swollen tongue, swollen lips. In Russian, губы и язык отечные, swollen lips, swollen tongue, and skin rash, это эритематоз, skin rash, эритематозная сыпь. Next one, diagnosis number 4, it is gastrointestinal bleeding. Hallmarks, 3 hallmarks we have. First, when you do rectal examination, it says it is melena presence, it is black stool. In Russian, it is said черный дегтеобразный стул. Stool, can say. It is only first hallmark. Second one, when you palpate abdomen of patient, teacher responds you that patient have painful and that it is very, how to say in English, when tenderness, tender, yes. In Russian, it is it's difficult to be bilingual very quickly. So in Russian, teacher says you stone при осмотре живота, доскообразный живот. And final hallmark when you check his spine. तो यार कुछ डाउट्स थे बच्चों के, वो जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो हम लोग के ये चल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं और ये स्टेशंस होते हैं। पिछले साल मैंने बोला था यहाँ पे एग्जाम जो होते हैं ना ऑस्की टाइप के होते हैं, ठीक है, जो आखिरी में होते हैं। पेशेंट हमको मिलते हैं, वो क्लासेज इन सब में मिलते हैं, बट जो एग्ज़ाम होता है वो हम लोग के कैडेवर में होते हैं, जैसे ये मैनिक्विन जो इसको बोलते हैं, इसमें हमको एमरजेंसी केसेस मिलते हैं, ठीक है। 10 डायग्नोसिस अभी हम लोग का इस साल से 4 कर दिए, तो पूरे मतलब जैसे पहला जो स्टेशन होगा उसमें अभी जो चल रहा है उसमें पूरी हार्ट की डिसीजेस हैं। तो आज पूरा वो सब हुआ था, हम लोग को शो करना था कि हाँ, और ये रशियन में शो करना होता है। मैम इंग्लिश में समझाते बट रशियन में भी आना चाहिए, दोनों शो करने पड़ते हैं।
ठीक है, तो इस हिसाब से एग्जाम अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, बट बाहर जब लास्ट होता है, जब जो गॉज का एग्जाम होगा उसके बाद हम लोग का इसको शो करना पड़ता है जो एक्सटर्नल्स आते हैं उनको, तो ये चीज़ होती है। तो इसमें करना क्या होता है, आधे लोग का डाउट ये होता है कि करते हैं क्या है, तो करते ही है भाई इसमें जो मैनिक्विन है उसमें अगर कोई भी जैसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तो जैसे ही कोई भी अगर तुम बाहर हो या रोड पे या एम्बुलेंस में ड्यूटी पे हो, तो जैसे ही वहाँ आते हो तुम देखते हो हाँ भाई सेफ्टी नहीं है उसका, ए बी सी डी करते हो जो भी पेशेंट है, ए से एयरवेज ब्रीदिंग उसका, पल्स ऑक्सीमेट्री, बी से ब्रीदिंग ये सब, फिर चेक करना है ऑस्कल्टेशन उसके हार्ट लंग सबके, ग्लूकोमीट्री लगानी है, बीपी चेक करना है, फिर अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है तुम्हें पता चल रहा है हार्ट में पेन है ये सब, ऑस्कल्टेशन ई सी जी लगा के एस टी सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन उस हिसाब से मेडिकेशन देनी, तुम्हें एस्प्रिन दोगे 300 mg की या क्लोपिड्रोगल दोगे, फिर मॉर्फिन दोगे अगर होगी तो, ठीक है आईवी इन्फ्यूजन हिपेरिन का लगाओगे, तो ये सब करना पड़ता है तुम्हें, जैसे पल्मरी एम्बोलिज्म बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग का ये चल रहा है, तो अभी ये जो फर्स्ट वाली जो साइकिल है इसमें पूरे हार्ट की ही डिसीजेज हैं, बाद में आएंगी उसमें लंग्स की होगी, फिर किसी में और किसी की, तो ऐसे करके हम लोग के 3 स्टेशंस हैं इस साल से, 4 कर दिए हैं, जो उसमें एक स्टेशन में 10 डायग्नोसिस है और कोई दूसरा स्टेशन उसमें 20 डायग्नोसिस है, और ये सब करने के लिए हमको सिर्फ 8.5 मिनट मिलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि तुम एज अ एम्बुलेंस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से ये कि कोई भी अगर एमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें कैसा करना है वो सब है, तो 8.5 मिनट मिलते हैं। और अभी जैसे एक बच्चा कर रहा था, उसका 8.5 मिनट से ज़्यादा ही हो गया, तो फिर मैम ने बोला नहीं ये नहीं माना जाएगा, तो तुम्हें टाइम का भी इतनी श्योरिटी लेनी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। बाकी मैं चलता हूँ और लेट्स गो टू अरमादा। कीचड़ बहुत है यार, टैक्सी हो रही महंगी, तो चलते हैं अरमादा, फिर देखते हैं क्या सीन है, वहीं से लेते हैं। हाँ बोलो। हमने एक स्टेशन कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर 10 डायग्नोसिस होते हैं, और वो 10 डायग्नोसिस हमें कल परफॉर्म करने हैं, जिसमें से कोई भी एक डायग्नोसिस हमें डायग्नोस करना है, जैसे 10 टाइप्स के हैं वो, तो कोई भी एक ऐसा साइन देगी मैम जिसके हिसाब से हमें खुद डायग्नोस करना है वो, और कल पूरा प्रोसेस हमें वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाना है। और यह हमारा जाचोद है एक तरीके का, पास करना बहुत ज़रूरी है वरना इसे रिपीट करना पड़ेगा, और हमें साइन नहीं देगी वो फिर। समझ गए, यही चीज़ मैं वहाँ समझा रहा था, अब मेरे से इसमें कमेंट में पूछा था भैया उसमें बॉडी में नहीं होता क्या, तो भाई बॉडी में होता है ऐसा नहीं है, बट ये वाले जो होते हैं ये हम लोग के एग्जाम होते हैं उसमें मैनिक्विन में करना पड़ता है, एक तरीके की इमरजेंसी है जिसको हम बॉडी पे परफॉर्म नहीं कर बट वो बॉडी ऐसे जिंदा टाइप की भाई, 50-50 लाख का एक सेट है वो वहाँ पे, और ये सब चीजें इमरजेंसी इमरजेंसी की भाई हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन हमें ऐसी हर बार नहीं हाँ, मिल सकती है, तो वो पूरा कंप्यूटराइज्ड है, उसमें इंसान हिलता नहीं है बट आंख झपकाता है, सांस लेता है, हर चीज उसकी आर्टरीज में ब्लड घूमता है, हर चीज होती है उसकी, ईसीजी वगैरह सब पूरी रीडिंग आती है, तो उस हिसाब से डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो अभी रोज़ हमारी ये क्लास चल रही है इमरजेंसी मेडिसिन की, ये सब क्लासेस हैं, और इसके बाद अभी 4-5 दिन बाद हम लोग की स्कोरा पामोज मतलब एम्बुलेंस ड्यूटी स्टार्ट होगी, जिसमें भाई 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, यहाँ अलग अलग सेंटर्स दिए जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को जाना होता है सुबह के 8 बजे से लेके अगले दिन के 8 बजे तक, और जितने शहर में जितने केसेज हैं सब जगह तुम्हें जाना होता है, तो वहाँ पे जो करना होता है वो अभी यहाँ सिखा रहे हैं हमको ये लाइन। हाँ तो जो एम्बुलेंस में करना होता है ना इमरजेंसी में, वो चीज़ हमें अभी यहाँ सिखा रहे हैं कि क्या क्या करना होता है, तो अरमादा जाके अब घर चले जाएंगे, सो मिलते हैं कल। सही करता जा रहे हैं अरमादा ये लोग, बनती है चाबी भाई, 100 रुपए की एक चाबी, तुरंत तुरंत बना देता है, ये टंगी है किसी को बनानी हो तो बना सकता है भाई, वास्कोत के नीचे, अभी मैं लोकेशन बता दूंगा, 100 रुपए की एक चाबी बन जाती है, वो मशीन है 50, अभी तो 100 ही लिए, और ये वो मशीन बनवाओ मस्त, सबके ताले की खोलो साला, सबका ताला
तो यार ये देखो, किसी को चाबी बनवाना हो, ये रहा वास्को, और जैसे ही इसके अंदर आओगे यहाँ तो मैं जगह मिल जाएगी, मैं शो ही कर देता हूँ। यहाँ पे अंदर आए, बस ये जो दुकान दिख रही पहली वाली, ये इसके अंदर घुसो ऐसा दिख जाएगा, 100 रुपए की एक चाबी मिलती है। ये देखो ये आए हैं भाई रीनक, मसाले वसाले सब यहाँ मिल जाएंगे, जिस प्रकार का चाहिए। अभी मैंने वहाँ से पत्ता को भी ले ली, किताब हो ये हो, पूरी मंडी है ये तुम्हारी। और ऐसी एक और मंडी है यहाँ पे, दो तीन मंडी है, एक और मंडी है वो सस्ती मिलती थोड़ी। मिर्ची मिलती भाई तगड़ी, गर्मियों में आया था इतना मस्त लगा था ना, हरे हरे। तो यार अभी इतनी ठंड नहीं है, बट तब भी ठंड बढ़ गई, 0 डिग्री तो हो ही गया है यहाँ पे, पर तब भी अभी भी यहाँ सब्जी मिल रही है। एक महीना और मिलेगी, उसके बाद तो बहुत कम आने लगती है। तो जैसे बैंगन है 60 रुपए किलो है, शिमला मिर्च 50, मिर्ची 4 रुपए की एक, 5 रुपए की एक है, 250 रुपए किलो है ये भी शिमला मिर्च। हाँ गाजर ही 50 रुपए किलो है, ये अंकल बेच रहे हो। मिर्ची तो काफी तेज है भाई, अच्छी का। ये देखो भाई अंजीर, हाँ हाँ भाई अंजीर ऐसी होती, पहली बार देख रहा हूँ। कौन बोलता है ड्राई फ्रूट्स रशिया में नहीं होते, ये मिल जाएंगे तुम्हें। ये पर किलो में है क्या? अबे पर केजी है ये, भाई 600 अखरोट 600 रुपए के 1 केजी है भाई, सस्ते नहीं है अखरोट 600 के 1 केजी है यार, 600 के 1 केजी यार अखरोट, खा जा खा सकते हैं यार, बहुत वैरायटी है भाई यहाँ। बनाना चिप्स भी हैं, काफी सही है, चाय भी मिल जाएगी इधर से तुम्हें, एक्सक्लूसिव टी। तो यार यहाँ पे भी तुम्हें पनीर मिल जाएगा, तेल है ये है, घी कहाँ है? बट इसका घी पता है उतना अलग होगा, वहाँ पर पनीर भी है। ये भी पूरी शॉप है भाई, यहाँ से भी खरीद सकते हो तुम, फ्रूट शूट सब बढ़िया। एक दिन पेट्रोव्स की चलेंगे, वहाँ पे भी पूरा रीनक टाइप का है। एक बंच 25 रुपए भाई, एक बंच 25 रुपए का है यहाँ पे, ये धनिया का, ये तुम देख सकते हो, एक बंच पहले 20 रुपए के होते थे, बट अगर 5 लोगे तो तुम्हें 20 के लगा देगी ये। यहाँ पे तुम बार्गेनिंग मस्त कर सकते हो, आंटियों के साथ थोड़ी बकचोदी भी कर सकते हो यहाँ पे वैसे। और ये घोड़े मटन ये सब जो भी है, इतने बड़े बड़े ये भी खा सकते हो, गाय के पनीर अनीर भी मिल जाता है भाई इधर। पनीर भाई ये है 2 केजी का, और आधा आधा और 500 ग्राम भाई यहाँ पे कितना? कोरियन नूडल्स या ओडोन नूडल्स हमारे को, ये चॉपस्टिक पहली बार पकड़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ करते हैं इसको, रशियन फूड नहीं है बट खा सकते हैं, पहली बार ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो मेरे से ना पकड़े नहीं जा रहे, तो इसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे से करूं, देखो आ गई भाई। चाइना वालों यार इतना नहीं सोचना पड़ता है इसमें, तुम ऐसे करो, इसको ऐसे से घुमाना पड़ो, ऐसे से घुमाओ, ये आ गई भाई, सिंपल, इसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे से करो, आ गई, दैट्स इट।